हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रक्षाबंधन की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, रक्षाबंधन एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, तो इस दिन किए गए उपाय जरूर कारगर होते हैं। और अगर आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रीजन या आपका जो भी इंटेंशन हो, पूरी जरूर होगी। तो इससे पहले कि मैं उपाय शुरू करूं, मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें और लोगों से जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे जितना भी लोगों का भला होगा उसका कुछ ना कुछ भाग आपको जरूर मिलेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे, यानी कि आपको डिवाइन हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, कुछ माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, या वो पढ़ते तो है बट उनको कभी सफलता नहीं मिलती है, वो फोकस नहीं है। पढ़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर उनका ध्यान लगता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों से ये बोल के काम करा सकते हैं। आपको एक पीला धागा लेना है। अब आप चाहें तो इसको मंदिर में जाके करें, या अपने घर के मंदिर में, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपने पीला धागा लिया, पीला धागा लेके पहले तो शंकर जी के शिवलिंग को आप जलाभिषेक करें। आप चाहें तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर वो जो पीला धागा है, मन में इच्छा रखते हुए कि आपका बच्चा या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊं, मेरा फोकस हो जाए, जो मैं एग्जाम देने वाला हूं कॉम्पिटेटिव हो या कोई भी, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले और आगे भी मेरा पढ़ाई में मन लगता रहे, ऐसी शिव जी को प्रार्थना करके उस धागे को शिवलिंग पे आपको थोड़ी देर छुआना है। आप चाहे तो उसके बाद कुछ पूजा पाठ आपको जो करनी है, टोटली आपकी मर्जी, आप करिए। शिव चालीसा पढ़ दीजिए, अगरबत्ती, धूप दीप, जो भी आपको दिखाना है आप दिखा दीजिए और उसको आप घर ले आए। और फिर उसके बाद जिसको भी ये परेशानी है पढ़ाई से रिलेटेड, वो अपनी लेफ्ट हाथ में इसको बांध लेगा। आप देखेंगे कि जब आप पढ़ने बैठेंगे आपका फोकस बढ़ता जाएगा, कोई अगर एग्जाम है तो आप उसको क्लियर इजी कर देंगे और आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। तो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे खुद के लिए भी कर सकते हैं, और इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी एज हो। तो करके देखिए और चमत्कार देखिए। फिर मैं आऊंगी दो बहुत प्यारे से उपाय के साथ, तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू गाइस, टेक केयर।